बैंड मास्टरी से कांग्रेस हाई कमान तक एक लाइन में कहें तो यही ग्राफ है सीताराम केसरी के पॉलिटिकल करियर का, और यहां तक उन्हें पहुंचाया उनकी वफादारी, होशियारी और ईमानदारी ने। तो आइए एक नजर उनके करियर पर। पटना के निकट दानापुर कैंट में 11 नवंबर 1919 को एक बनिया परिवार में जन्मे सीताराम केसरी 12 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1934 में वे कांग्रेस के सदस्य बने और उसकी गतिविधियों में सक्रियता से हिस्सा लेने लगे। आजादी के बाद वे काफी दिनों तक कांग्रेस की स्थानीय राजनीति से जुड़े रहे और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए 1964 में बिहार कांग्रेस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाए गए। 1967 में वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद निर्वाचित हुए। इसी दौरान वे श्रीमती गांधी के संपर्क में आए और फिर कांग्रेस में उनका कद बढ़ता गया। 1971 में लोकसभा चुनाव हारने पर उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और इसके बाद वे लगातार राज्यसभा के लिए चुने जाते रहे। 1973 में उन्हें बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 1979 में वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। मार्च 1980 में श्रीमती गांधी ने उन्हें अपनी सरकार में स्टेट मिनिस्टर बनाया और 1985 में वे राजीव गांधी मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए, लेकिन इस दौरान उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया गया। 1988 में वे एक बार फिर राज्यसभा के सदस्य बने और जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में समाज कल्याण मंत्री बनाए गए और 5 साल तक इस पद पर रहे और अब वे पूरी कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लोग कहते हैं कि केसरी जी की सफलता का राज ये है कि हमेशा वो लीडर के साथ रहे, जो कुर्सी पे था उसी के साथ रहे और कभी डिसीजन नहीं बने। जिसको एक बार नेता निर्वाचित कर दिया, दूसरे क्षण उसके खिलाफ बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ, जब तक कि कोई गहरा कोई कारण नहीं। आप अपने पास दोनों पद रखेंगे, अध्यक्ष का और कोषाध्यक्ष का? नहीं, हम अभी आदमी की तलाश में। आप 16 साल से पार्टी के ट्रेजरर हैं, करोड़ों रुपए आपके हाथों से इधर उधर गए, लेकिन अब तक कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, कोई घपला नहीं हुआ। अब आपको क्या कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा ईमानदार दूसरा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा जिसे ट्रेजर बना दिया जाए? एक बार जानिए, करोड़ों रुपया कहना आसान है, करोड़ों इधर से उधर नहीं होता, लाखों हजारों होता है, होता होगा, होता सब मिला के बहुत कुछ हो जाता है, मगर ट्रेजर के लायक आदमी है। ये पार्टी के लोगों का ही नहीं, विरोधी दलों में भी आपका काफी अच्छा खासा असर है, यहाँ तक कि लालू यादव जैसे लोग भी आपको चचा कहते हैं और तमाम विरोधी दल के नेता भी आपको चचा चचा कहते हैं। तो इन सबके आप चचा कैसे बन गए? व्यवहार से, हम कोई वैचारिक संबंध हो ऐसी बात नहीं है, व्यक्ति का एक दूसरे का संबंध रहना चाहिए, यही हम चाहते हैं कि अक्रॉस द पार्टी सबको, अब जैसे मुपनार जी हैं, जैसे आपने नाम लिया, जैसे जो लोग भाई गए हैं, हमारा व्यक्तिगत संबंध सबसे मधुर है, अर्जुन सिंह जी से भी, सबसे भी, जिनसे भी, कोई लड़ाई का सवाल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है आपके अंदर? नहीं, कांग्रेस जैसे सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर और आप कांग्रेस के चूंकि लीडर हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर का पद स्वीकार करेंगे? मैंने कहा ना कि मैं इस पद का दावेदार नहीं हूँ। देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ, पद ही जीवन हो, मैंने पहले कह दिया है कि मैं पद पर आसीन रहने वाला व्यक्ति नहीं, चिपकने वाला नहीं हूँ। ये भी पद अगर छोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो मैं ट्यून को एक करने में छोड़ दूंगा। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का मामला काफी तेजी से उठ रहा, कांग्रेस के अंदर तमाम लोग कहते हैं अगर राव साहब को जेल जाना पड़ा तो उन्हें CPP की लीडरशिप भी छोड़नी चाहिए। बड़ा हाइपोथेटिकल ये भी है, जेल जाना पड़ा जेल नहीं जाना पड़ा, इस पर हम कुछ कहें, हम तो यही जानते हैं कि केस में क्या होता है अभी से सोच लेना, 10 तरह का हल्ला होता रहता है, उस पर कोई राजनीति, राजनीति यथार्थ पर चलती है, राजनीति रूमर पर नहीं चलती है। नहीं, जिस नैतिकता के आधार पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी, उसी नैतिकता के आधार पर उन्होंने कांग्रेस सस्ती दल का पद भी छोड़ना चाहिए। जब एक बार उन्होंने ये शो कर दिया त्याग पत्र दे करके, तो हम दूसरी बार कोई अगर कहते हैं कि त्याग पत्र देना चाहिए, ये कहना बार बार हर चीज को, यह मुद्दा अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन इन्हीं नरसिम्हा राव ने ये प्रेसिडेंट क्रिएट किया
कि जो चार सीटेड लोग थे उन्हें टिकट तक नहीं दिया, यानी कि संसदीय दल में नहीं आने दिया, तब खुद चार सीट होने के बाद संसदीय दल के नेता पद पे कैसे बैठे रह सकते? देखिए, अध्यक्ष के नाते उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने उस पद पर, हम लोग भी चाहते हैं कि उस पद से अभी बैठे रहे। किसी जी, एक इम्प्रेशन बहुत जबरदस्त है कांग्रेस के अंदर और बाहर भी कि आपका रिमोट कंट्रोल नरसिम्हा राव के हाथ में रहेगा, आप उनकी कठपुतली बन के कांग्रेस चलाएंगे। अगर पार्टी के अंदर यह है तो हमें कोई शिकायत नहीं है, समय बताएगा। क्या है कि हम इतना जरूर कहते हैं कि न तो रिमोट कंट्रोल के बेचारे पक्ष में है, न रिमोट कंट्रोल करते हैं। हम कहें कि नहीं होंगे, ये भी अपने भूतपूर्व प्रेसिडेंट के साथ न्याय नहीं होगा। नहीं, लोग ये कहते हैं कि जैसे आप बड़े नरम मिजाज हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, तो आप दबंगई से पार्टी को नहीं चला पाएंगे। मेरी नम्रता, मेरी सद्भावना, मेरा स्नेह, उसको आप दूसरे ढंग पर मत सोचिए। वो एक व्यक्तिगत संबंध पर निर्भर करता रहेगा हर के साथ, मगर जब कठोर निर्णय लेना होगा तो आप हमको पीछे विचलित होते हुए नहीं देखिएगा। अच्छा, अब आप कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गए, नए प्रेसिडेंट हैं आप पार्टी के, तो अपनी टीम आप खुद बनाएंगे? यही सोच ने कांग्रेस को खत्म किया है, कमजोर किया है। हमारी टीम क्या, जिन जिन लोगों ने अपनी टीम बनाई है वो टीम रहते हुए भी क्या हो गया है? देखिए, टीम होना चाहिए कांग्रेस का, टीम किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। नहीं, ICC में जो गुटबाजी है, नहीं, ICC में जो नरसिम्हा राव की टीम है उसी टीम को आप चलाएंगे या कुछ चेंजेस करेंगे? क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरह से माधव सिंह सोलंकी और अहमद पटेल ने इस्तीफे दिए वो केसरी जी के इशारे पे दिए, क्योंकि केसरी जी पुराने जमाने से कामराज प्लान लगाते रहे, कई बार इंदिरा जी के कहने पर मंत्रियों के इस्तीफे दिलाए, राजीव जी के कहने पर मंत्रियों के इस्तीफे दिलाए, तो आपने ये कोशिश तो की लेकिन दो ही ने इस्तीफे दिए और बाकी नहीं दे रहे हैं अभी। देखिए, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, न फॉर न अगेंस्ट, आप उन लोगों से पूछ लीजिए। स्वतः जिन्होंने दिया है हम रखे हुए हैं, जो नहीं दिया उनको भी हम रखे हुए हैं। अभी तो काम चल रहा है, अभी देखिए चुनाव बाकी है, हम सोचेंगे। मान लीजिए कि कोई हमारा काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में सोचेंगे। ये सारी चीज़ें हैं।